हेलो एंड वॉम वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल कृति दिस साइड। सो आज तीज है और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी तीज। और तीज की तैयारी शुरू होती है तीज की मेहंदी के साथ। तो ये रही हमारी तीज की मेहंदी और मैं मतलब खुद से लगाना पड़ा मुझे। पिछली बार तो मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छा लगाया था और इस बार मुझे खुद से लगाना पड़ा। तो जस्ट एक हाथ में मैंने खुद से लगाया और दूसरे हाथ में जैसे तैसे बस गोल वाली डिज़ाइन ही बना ली। और फिर ये क्लिप है तीज की शाम की। तो दिन में फास्टिंग रखने के बाद हम लोग को मंदिर जाना था पूजा वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ पे मेरी मम्मी शादी की सिंदूर लगा रही है। तो मतलब मैंने प्लेट्स लगाए थे ना तो उसमें पिन था क्योंकि मैं साड़ी की प्लेट अच्छे से बन दे रही थी तो इसलिए थोड़ा आँचल रखने में दिक्कत हो रही है। खैर मैंने सिंदूर लगाया फिर उसके बाद हम लोग रेडी होकर मंदिर जाते हैं। और तीज के दिन हम लोग मतलब जो तीज से शादी वाली सिंदूर होती है ना वही हम लोग यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे पहुँच गए हम लोग मंदिर। शाम हो गई थी कथा सुनने पूजा करने के लिए और कथा भी सुनने के लिए। और यहाँ पे मतलब जो पहले से जो कथा सुन चुकी हैं वो लोग बना एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं तो वही यहाँ पे चल रहा है। और ये रहा हमारा शिव मंदिर। सो कि बचपन से यहाँ आती हूँ मैं और अब तीज शादी हो गई तीज के बाद आती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। वाइब अच्छी होती है। और यहाँ पे हम लोग की भी पूजा हो चुकी है। सब लोग बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। पंडित जी भी बैठे हुए और कुछ और लेडीज़ के इंतजार वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर कथा स्टार्ट होगी और कथा सुनने के बाद फिर हम लोग वो भी एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं पैर छूते हैं आशीर्वाद लेते हैं एंड ऑल। और काफ़ी अच्छा लगता है तीज वाले दिन क्योंकि सारी लेडीज़ जो भी होती हैं सब तैयार होकर आती है। नई नई साड़ी बैंगल्स ज्वेलरी देख कर ही अच्छी लगती है। और ये रही मैं मेरी साड़ी। आप लोग बताना कैसी लगी मेरी साड़ी। एंड तीज वाले दिन ना मतलब वाइब ही अलग होती है हर मंदिर की घर की। सब सारे लेडीज़ तैयार होके आती हैं पूजा करती हैं। यहाँ पे हम लोग भी पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। फिर यहाँ पे माँ कलावा बंधवा रही है माँ बुआ सारे मतलब नेबर्स जो है जो भी हैं सब एक साथ जाते हैं। तो सारे लोग पंडित जी से कलावा बंधवाते हैं कथा सुनने के बाद। एंड उसके बाद यहाँ पे फिर सब एक दूसरे को सिंदूर लगा रही हैं तो मैं भी लगाती हूँ सबको। सारे लोग एक दूसरे को लगाते हैं अच्छा लगता है। एंड वेदर इसमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि जब बड़े ही लगा सकते बड़े छोटे सब मिलके एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं सिंदूर खेलते भी हैं। और यहाँ पे मैं अच्छी लड़के की तरह ढंग से तैयार होके सिंदूर लगवा रही हूँ पूजा के बाद। और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर में काफ़ी कुछ रील्स वगैरह भी बनाते हैं तो आगे आप वो देखो म्यूज़िक के साथ। आई होप सब लोगों को अच्छा लगे। एंड अच्छा लगे तो जस्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और यहाँ पे मेरी मम्मी भी हमें सिंदूर लगा रही है एंड हमें भी मौका मिला माँ को लगाने के। इसके बाद पूजा हो चुकी है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं घर। एंड गाइस घर आने के बाद इतनी थकावट और इतना प्यास मतलब लग रहा था ना कि मतलब प्यास के मारे मुझे तो मतलब रात में नींद ही नहीं आई। आई कांट स्लीप अ बिट। मतलब होता है ना एक मिनट एक सेकंड के लिए भी हमारी आँखें बंद नहीं हुई इतनी भूख लग जाती है। भूख नहीं प्यास मुझे प्यास बड़ी जोर की लगती है अगर ना खाओ तो। और फिर सुबह होकर हम लोगों ने फास्ट तोड़ा अपना सुबह के लिए अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे हम लोग नहा लिए थे उठ के। और फिर यही रही कुछ पिक्चर्स क्लिप्स तीज की। आई होप अच्छी लगी हो।